सुप्रीम पावर न्यूज। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय 20 करोड़ के साइबर क्राइम का भंडाफोड़। मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस पूरे नेटवर्क में अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें 300 से अधिक मोबाइल, 10 लाख रुपए नगद, 30 से ज्यादा बैंक खाते, फ्रिज, 75 से अधिक क्रेडिट कार्ड को जब्त किया गया। इसमें 700 से अधिक ऑपरेटर को चिन्हित किया गया है। पूरे देश में 20 करोड़ से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा इसमें हुआ, जो कि 18 राज्यों में फैला हुआ है, जिससे उन राज्यों की पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही। पुलिस ने आयकर विभाग और ईडी से भी संपर्क किया। इस पूरे मामले के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस, झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश और कई राज्यों की पुलिस टीमों के वित्तीय फ्रॉड शाखा द्वारा समन्वित कार्यवाही के दौरान एक बड़ा अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी मेगा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 700 से अधिक ऑपरेटर थे, जो ओटीपी धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कॉमर्स धोखाधड़ी, फर्जी आईडी, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी पते, कालाबाजारी, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आदतन चोरी के मामले के लेन देन में शामिल होकर इस विभिन्न चरणों में चला रहे थे। खुफिया इनपुट के माध्यम जांच की गई तो इसमें पता चला कि ये भारत के 18 से अधिक राज्यों में यह नेटवर्क चल रहा है। और भी आगे क्या कहा बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने, देखिए सुप्रीम पावर न्यूज पर। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट से पंकज जहरवाल के साथ जयेश पटेल की रिपोर्ट। ये एक जो पैन इंडिया एक साइबर फ्रॉड नेटवर्क है, जो आईबी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका मैं झारखंड पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस और उनके साथ साथ लगभग 18 राज्यों के विभिन्न जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, अन्य सेंट्रल एजेंसीज हैं, उन सभी के सहयोग से एक हमको मेजर नेटवर्क ब्रेक करने में सफलता हासिल हुई है। अभी तक उसमें जो उस नेटवर्क के लगभग हम लोग 700 से 750 लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जो एक्चुअल लोग हैं जो इस तरह का अलग अलग तरीके के फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। इनमें आपका ओटीपी फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है, इनके अलावा जो फेक आईडीज या फेक एड्रेसेस, फेक सिम का यूज़ करके ई कॉमर्स फ्रॉड जो करते हैं वो फ्रॉड है, टैक्स फ्रॉड, ब्लैक मार्केटिंग और इसके साथ साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग, इस तरह की चीज़ें इसमें सामने आई हैं। इसमें जो इस पूरे नेटवर्क को रन करने के लिए जो मुख्य लोग, जो 7-8 मुख्य लोग थे, उन सभी को राउंड अप करने में ये जो हमारी इंटरस्टेट जॉइंट टीम है उसने सफलता हासिल की है। इसमें से काफ़ी हमारे आरोपी झारखंड पुलिस की मदद से झारखंड में गिरफ्तार हुए हैं, कुछ आरोपी मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुए हैं और कुछ आरोपी आंध्र प्रदेश में भी गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह से इस बड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। हमें अभी तक जो एनालाइज हमने किया हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि पिछले 4-5 महीने 6 महीने में इन्होंने लगभग 20 करोड़ का या उससे अधिक का जो प्रोडक्ट्स हैं ई कॉमर्स साइट्स की मदद उपयोग करते हुए इन्होंने ग्रे मार्केट या ब्लैक मार्केट में इसको खपाया है। और इसमें कुछ कुछ मामले ऐसे भी हैं गंभीर हैं, जिसमें ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के द्वारा जो मनी हासिल की है, जो पैसा लोगों को फ्रॉड करके हासिल किया उसका उपयोग किया गया है। तो इसी सभी बिंदुओं पर एक मल्टी टीम एक जांच चल रही है और उसमें कार्रवाई भी काफ़ी तीव्रता से हो रही है। ये आप जो देखेंगे अभी लगभग हमारे पास 300 से अधिक मोबाइल फ़ोन जो हमने जब्त किए जा चुके हैं अभी तक जो ये हुआ है, लगभग 75 क्रेडिट कार्ड जो हैं वो फ्रोजन हैं, जो कि इनसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं। करीब बैंक अकाउंट्स भी इसमें हैं, जो 30 बैंक अकाउंट्स हैं जो अभी तक हम लोग डायरेक्टली इन मुख्य आरोपियों से चिन्हित करके फ्रीज करा चुके हैं। इसमें अन्य भी कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट का है, जिसमें हम लोग सिलसिलेवार तरीके से विवेचना करके आगे भी उन पर कर